ओके नाइस नाइस नाइस, ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं, ऊपर 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 ऊपर। भाई साहब बताओ आप बढ़िया है कि नहीं ट्रेडिंग, आप खुद डिसाइड करो। हाय गाइस, मेरा नाम है कबीर खन्ना, और अगर आपको नहीं पता है मेरा एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो और ज्वाइन इन करके पैसे बनाना आज ही से शुरू करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कबीर खन्ना, या फिर आप मेरे को मेरे नाम से जानते हो चैनल के, जो कि है द देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिमिलर स्ट्रैटेजी दिखाना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, बट यहां पे कुछ चेंजेस करेंगे और मार्केट के आज के ट्रेंड के हिसाब से जो है उस स्ट्रैटेजी को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जरूर देखना एंड तक, क्योंकि आपको बीच में एक प्रोमो कोड भी मिलने वाला है और उस प्रोमो कोड को आप यूज करके जो है अपने पहले डिपॉजिट पे 120% जो है एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1,000 रुपये जमा करा रहे हो तो यहाँ पे जो है 2,200 रुपये जो है आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, जो बहुत बढ़िया चांस है। ध्यान से देखना वीडियो को क्योंकि वहां पे सरप्राइज होगा। और दूसरा सरप्राइज आपके लिए ये है कि कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन कीजिए अगर आप वीडियो को अभी फुल स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलने वाला है और उसको आप यूज करके बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा, और वो टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे आपको मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करूँ, बिल्कुल मुफ्त। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है मेरे ट्रेड्स को और पैसे बनाने हैं, ठीक है? तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, बट उससे पहले जो है वीडियो को और स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखना, प्रोमो कोड के लिए ध्यान से देखना वीडियो को और एंड तक देखना। और बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, और आज का सेटअप जो है कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके गाइस, तो मार्केट काफी ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ पे जो है हम स्मार्टी पे आज पैसे लगाने वाले हैं और स्मार्टी का जो है टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। 86% जो है हमें वापस दे रहे हैं और 20 सेकंड्स पे जो है हमारी मार्केट है। 5 सेकंड की कैंडल रखेंगे, इसको बंद कर देते हैं। 8,00,000 रुपए से शुरू करें जहाँ पे हमने एंड किया था पिछला सेशन। तो यहाँ पे जो है पहला इंडिकेटर रख लेंगे हमारा जो है RSI इंडिकेटर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हमेशा ग्रीन रहता है। और जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो हम यूज़ करने वाले हैं RSI इंडिकेटर। पहले भी आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाई है, आज भी फिर से दिखाने वाला हूँ। आज थोड़े से लेवल्स चेंज करने वाला हूँ, 65 और 35 करने वाला हूँ, ठीक है? तो मार्केट को थोड़ा छोटा रखेंगे, देखते हैं एंड टू एंड जो है हम अपनी जो है ट्रेड लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे कंफर्म कर देंगे और देख सकते हैं कि सिंपल एंड ईजी जो है हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन चुकी है। और जो है मार्केट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम कम है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ही 35 सेकंड है। तो इंडिया इंडेक्स यहाँ पे यूरो यूएसडी पे ही चलते हैं, तो यहाँ पे जो है टाइम हमारे पास ज़्यादा है। तो टाइम हमारे पास जब ज़्यादा होता है तो हम पता कर लेते हैं कि यार भाई मार्केट कितने टाइम में ऊपर नीचे जा सकती है, मूवमेंट का सही से हमें ध्यान रहता है, ठीक है? तो उसी वजह से जो है मैंने मार्केट चेंज कर लिया, अब यूरो यूएसडी पे ही पैसे लगाएंगे। तो मार्केट अभी तो डाउन चल रही है, बट मेरे हिसाब से ऊपर जा सकती है, तो जल्दी से जो है अपनी पहली ट्रेड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जो है गई, ठीक है? तो मैं वही वेट कर रहा था क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स आ रही थी, बट फिर एकदम से जो है मार्केट ने ऊपर का हमारा बम्प लिया, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स ही हमारी जो है आ रही थी और यहाँ पे जो है मार्केट नीचे जाने लग गई। भाई मेरे को यहाँ पे लग रहा था रियली कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, बट फॉर सम रीजन इट इज गोइंग डाउन ऊपर। नाइस, ओके हमारे पैराबोलिक स्टार्स तो नीचे ही हैं कैंडल्स के अभी भी, मीनिंग की हमारी जो है अपवर्ड ट्रेंड चलनी चाहिए और चल भी रही है, क्योंकि हमारी जो है अभी एक बहुत ही तगड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही थी। हमारे जो बेयर्स हैं वो मार्केट को नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारे बुल्स का मैंने पोटेंशियल देखा जब उन्होंने हमारे को एक बिग कैंडल दी, बड़ी कैंडल दी थोड़ी सी, तो मेरे को लगा यहाँ से मार्केट ऊपर उठनी चाहिए और वैसे ही हो रहा है। आप RSI भी देख सकते हो, वहाँ पे जो है सही मूवमेंट चल रही है अब, और ज़्यादा कोई अपना स्ट्रेट लाइंस नहीं दिख रही है। हमारा पैराबोलिक स्टार्स भी हमारे अच्छे खासे मार्जिन पे है, और यहाँ पे जो है 5 सेकंड में हमारा होपफुली विन होने वाला है पहला ही। तो देखेंगे यहाँ पे 3, 2, 1, और यहाँ पे जो है हमने पहला प्रॉफिट बना लिया। 40,000 रुपये हमने लगाए थे और जो है 75,600 हमने यहाँ पे कमा लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ, आप डिटेल्स आप देख सकते हो,
तो काफी बढ़िया रहा यार, शुरुआत काफी अच्छी हुई है, बट यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से मार्केट अब डाउन जाएगी, तो जल्दी से जो है ट्रेड प्लेस करते हैं। तो थोड़ी सी वेटिंग के बाद यहाँ पे जो है मेरे को लग रहा है सही एंट्री पॉइंट है एक डाउनवर्ड ट्रेड का, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर ऊपर की तरफ हमें दिखा तो रही है बट नीचे जाएगी मेरे को लग रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो पहले ऊपर गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे गई, फिर अब फिर से ऊपर जा रही है, बट मेरे हिसाब से जो है हमारा इस मार्केट में जो है डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ज़्यादा है, और उस वजह से जो है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है इन द नेक्स्ट कमिंग मिनट। तो काफ़ी अच्छी हमारी कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुकी है, और बाइंग प्रेशर हमारा ज़्यादा ना होने की वजह से जो मार्केट है वो इससे नीचे रहनी चाहिए होपफुली, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम 65% की लाइन के ऊपर जा चुके हैं, और वहाँ पे जो हम 75 या फिर 80% की लाइन को जो है टच करके जो है वापस नीचे को आए हैं, और उसके बाद जो है 65% जो हमारा मिड से थोड़ा सा ऊपर रहता है वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, और उसकी वजह से जो है मार्केट वो नीचे की तरफ रह रही है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि ओवर सोल्ड कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, बट मार्केट जो है एक डाउनवर्ड स्ट्रॉन्ग प्रेशर में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे बेयर्स हैं वो मार्केट को नीचे 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 रख रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। बस 20 सेकेंड और, चार कैंडल्स और चाहिए हमें नीचे की तरफ। मार्केट ग्रो कर रही है अब ऊपर को, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज होने की संभावना बन रही है, बस 3 और कैंडल्स हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे हम विन कर जाने चाहिए। तो 65,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे लगाए थे, और ओके 4, 3, 2, 1, और ट्रेंड चेंज होने से पहले ही जो है हमने यहाँ पे 65,000 का 1,22,000 रुपये बना लिया है। तो हमने शुरू किया था भाई यार 8,00,000 रुपये से, और ऑलरेडी हम जो है 8,93,000 पे पहुँच चुके हैं। बताओ आप बढ़िया है कि नहीं ट्रेडिंग, आप खुद डिसाइड करो। मार्केट को देखने के बाद अब यहाँ पे जो है मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए ऊपर, मेरा रीज़न क्या है, मैं अप पे ट्रेड लगा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है ऊपर नीचे वाला ट्रेड हमारा ट्रेंड हमारा चला रही है, ट्रेड बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा भी रही है। दूसरा जो है RSI इंडिकेटर को देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा खासा बना था, फिर उसके बाद जो है हम फिर से सेलिंग प्रेशर में आ गए, फ्लो में, या फिर मैं बोलूँगा प्रेशर नहीं बोलूँगा इसको, पर उसके बाद जो मार्केट है अब मेरे हिसाब से फिर से ट्रेंड चेंज करके ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और हमें यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल रही है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है, बट ऊपर जानी चाहिए मार्केट, और जा भी रही है बहुत अच्छे ऊपर ऊपर ऊपर। कैंडल्स भी हमारी पैराबोलिक स्टार्स के पास हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाना चाहिए हमारा सून ऊपर। नाइस नाइस नाइस, स्टे अप, तो काफी क्लोज रहेगा ये हमारा ट्रेड। ओके 30 सेकेंड और, बस 30 सेकेंड होल्ड करना है हमें। ओके नाइस नाइस नाइस, ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 ऊपर। हाँ भाई, अरे यार, ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक डाउनवर्ड प्रेशर में है, थोड़ा एक्सपेंसिव था ये हमें जो लेसन मिला अभी, 65,000 रुपीज़ का ये जो हमें सिखाया इसने 65,000 के लॉस में, कि मार्केट जो है वो भाई डाउन की तरफ ही है, तो सही एंट्री पॉइंट जो है वो डाउन की तरफ ही रहेगा। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, तो मेरी गलतियों से भी सीखो, और जो मैं चीज़ें सही करता हूँ उससे भी सीखो, राइट। तो यहाँ पे जो है मार्केट हमारी जो है डाउन की तरफ ज़्यादा प्रेशर था, बट मोस्टली जो मार्केट है वो ऊपर रह रही थी, और मेरे को लग रहा था कि ऊपर रहना चाहिए। ओके, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब मार्केट मेरे हिसाब से डाउन ही जाने वाली है, तो जो है रिकवर करते हैं थोड़ा सा अमाउंट को। 80,000 रुपये जो है मैं डाउन पे लगा रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। डाउन पे हमने पैसे लगा दिए हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर ग्रो कर रही है, बट मेरे हिसाब से जो है मार्केट का जितना हमारा डाउनवर्ड प्रेशर है उसके हिसाब से ये पीक है, इसके बाद जो है मार्केट स्ट्रगल करती है ऊपर जाने को, और अगर जाती भी है ऊपर को तो जल्द से जल्द नीचे आ जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है मार्केट नीचे की तरफ रहनी चाहिए।
ऑल दो हमें एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, बट पहले भी हमें जो है ट्रेंड चेंज होने की संभावना दिख रही थी, और यहाँ पे जो है मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे रहने वाली है। अरे भाई यहाँ पे भी काफी क्लोज चल रहा है, नीचे 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 बाय लॉ यहाँ पे मार्केट यार नीचे जानी चाहिए जितना हमारा यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है ना नीचे वाला। बट शायद हम यहाँ पे ये भी ट्रेड लूज करने वाले हैं। नो नो नो, हम -50,000 में चले जाएंगे। नाइस नाइस नाइस, ओके एक और कैंडल। ओ नाइस, नीचे 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 भाई साहब, तो 80,000 रुपए लगाए थे और हमने 1.5 लाख रुपए बना लिया है। बहुत ही रिस्की था, बट हम जहां पे थे वहां पे वापस आ चुके हैं थैंक्स टू दिस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। बट हम एट द सेम टाइम ये देखेंगे कैलकुलेशन और हमारा एनालिसिस सही था, बट मार्केट की जो कंडीशन है उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा अप डाउन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चलो एक आपको और ट्रेड दिखाता हूँ और इसको कंफर्म करते कि मार्केट है ऐसी कि या फिर हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ आ रहा है। मार्केट काफी पीक पॉइंट पे जा चुकी है और यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से बड़ा ट्रेड जो है हमें डाउन की तरफ लगा देना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट कंडीशन है और जितनी हमारी मार्केट की यहाँ पे कंडीशन चल रही है ना भाई, ऊपर मार्केट स्टे कर ही नहीं रही है, चाहे ग्रो कर रही है ऊपर को बट स्टे नहीं कर रही है वहां पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही फेक सी मूवमेंट है। फेक मूवमेंट इन द सेंस कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा हमारे जो बेयर्स हैं वो मार्केट को चांस देते हैं सांस लेने का और बुल्स को बाय करने का, बट उसके बाद हमारा सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि साथ की साथ ही जब भी पीक पे पहुंचता है वो सेलिंग ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाई अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी बन रहा है, बट भाई नो 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 नो, अरे 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 अरे, ओ नाइस, ओके नीचे 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 नीचे, स्टे भाई साहब, ये भी काफी क्लोज था। तो हमारी स्ट्रैटेजी सही है, हमारा एनालिसिस सही है, मार्केट फ्लक्चुएट ज्यादा कर रही है तो मैं ज्यादा जो है रिस्क नहीं लूंगा। अभी 2 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट बना लिया है इन अ होल, हमने 8 लाख रुपए से शुरू किया था और 10 लाख रुपए भी एंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता अभी के लिए। गाइस गाइस, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट के जो ट्रेंड है कितनी जल्दी से चेंज हो जाते हैं, राइट। हमने जो शुरू किया था 8 लाख रुपए से और जो है हम एंड किया 10 लाख रुपए पे, बट अगर हम देखें ऑल इन ऑल तो मार्केट कितनी ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है, बट हमारी इन स्ट्रैटजीज की वजह से, जो मेरी पर्सनल मैं स्ट्रैटजी जो है डेवलप करता हूँ उसकी वजह से, अगर हमारा लॉस भी होता है कोई माइनस भी होता है तो हम उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। हमारा एनालिसिस और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। मैं बार 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 ये क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि यही है फंडामेंटल्स हमारी ट्रेडिंग के, कंसिस्टेंसी एनालिसिस और जो है कैलकुलेशंस हमारे इंडिकेटर और मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से। ठीक है, तो आप उसमें से जो है अपने सही एंट्री पॉइंट्स ले सकते हो और कहाँ पे एग्जिट पॉइंट होने वाला है उसको डिटर्मिन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब सीखना अगर आपके पास टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट रहेगी अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। तो टेलीग्राम चैनल में सिर्फ यही नहीं कि बिगिनर्स ही आ सकते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है, सबके लिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप हाई ही लेवल के हो तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ है, आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए उसको। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर से चेकआउट करना है और प्रॉफिटेबल जो है अपने आप को बना लो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर कर दो इस वीडियो को, कमेंट डाउन बिलो कि कैसी लगी वीडियो, या फिर कोई फीडबैक है कोई क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ सकते हो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी और मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन, क्यों, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको पता लग जाएगा और आप जो है प्रॉफिट बना लोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।